हमने देखा, ये तो दुश्मनों को एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान को, आतंकवादियों को एक करारी चपेड़ है कि अब लोकतंत्र आने वाला है कश्मीर के अंदर। और शान हमने देखा, ये तो दुश्मनों को एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान को, आतंकवादियों को एक करारी चपेड़ है कि अब लोकतंत्र आने वाला है कश्मीर के अंदर। और शांत करके कश्मीर दे, करके कश्मीर दे रहे हैं रिपब्लिक भारत को। आपको सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं और गौरव जी को भी। आपने, गोस्वामी जी ने बड़ा संघर्ष किया पंजाब के अंदर, 8 या 9 साल गवर्नर रूल रहा, गोलियां चलती रही, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चे यतीम होते रहे। ये 2 साल पहले 370 धारा हटी और आज ऑल पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर की आके, मोदी जी के पास आके सारी बैठक हुई और कितनी खुशी से सब लोग बाहर आए हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी और 370 धारा की कोई चर्चा नहीं हुई। गुलाम नबी जी ने बोला, कुछ और सीनियर लोग थे, उनको हमने देखा, ये तो दुश्मनों को एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान को, आतंकवादियों को एक करारी चपेड़ है कि अब लोकतंत्र आने वाला है कश्मीर के अंदर। और शांत करके कश्मीर दे रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को। गोलियां अभी भी चलती हैं, गोलियां चलती रहेंगी कुछ समय तक, आतंकवादियों को ठोकते रहेंगे, पाकिस्तान शरारत करता रहेगा, पर ऐसा कश्मीर का एक नक्शा होगा हिंदुस्तान के अंदर। पंजाब को तो हम पूरा खुशहाल नहीं कर पाए, कश्मीर को हिंदुस्तान के एक नंबर पे लेके आएंगे नरेंद्र मोदी जी, हमें फख्र है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को खड़े हुए बैठक में दिखाते हुए, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता गौरव आर्य जी। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक अच्छा फैसला हुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर के युवाओं के लिए एक नया मौका मिलेगा। इफ्तिकार मिसगर, बेटा साहब बताइए मेरे को, सौमित्र पात्रा कह रहे हैं इतना सब, पहले तो मेरे, हाँ बोलिए बेटा साहब, क्या बोल रहे हैं आप? ये पात्रा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये बैठे कहाँ हैं? कितने सालों से इनको देख रहा हूँ चैनलों के अंदर बहस कर रहा हूँ, ये कौन इंजीनियर है, कौन है ये? इनको पूछे कहता है, ये कहते हैं कि पहले बात कर लेते 370 धारा की। क्या 370 धारा हटती? क्या हटती? आज जो ये बात कर रहे हैं कि आखिर में बुलाना पड़ा उनको, पता नहीं है मैं आपके मुंह लगूं। बिल्कुल पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे ही बुलाया गया था, ऐसे लोकतंत्र लाया गया था इलेक्शन के लिए। तो इनको ये कहना चाहता हूँ, 370 धारा का मुद्दा नहीं है, 370 धारा का मुद्दा नहीं है। पात्रा साहब ने सही कहा, क्यों यार अपने अपने गले पड़ रहे हैं आप? विकास की बात करें, आप तरक्की की बात करें, वहाँ की डेवलपमेंट की बात।